डे टू इन गुलमर्ग एंड आज का जो हमारा हमने सोचा है वो है हम करेंगे गंडोला राइड पे। कोई बेबी स्लोप पे नहीं जा रहे हैं, हम सीधा गंडोला राइड पे जा रहे हैं। पहले होगी पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। और आज का जो मौसम है वो काफ़ी सनी है तो मज़ा आएगा, ऊपर ही मज़ा आएगा, क्योंकि थोड़ा क्लाउडी मौसम होता है उससे सामने वाली पहाड़ियाँ बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिख नहीं रही। जैसे मेरे पीछे देख सकते हो अभी बिल्कुल क्लियरली पहाड़ियाँ दिख रही हैं और अभी हम वहाँ पर जाएंगे गंडोला पे। उससे पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। पंडित ब्रदर्स वेज एंड जैन फूड ओनली। क्या बात है यार, देना वीडियो। ये प्योर वेज है, प्योर वेज मतलब यहाँ पे नॉन वेज नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, ब्रेकफास्ट कम लंच हम करके आ गए क्योंकि लेट हो गया। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ओए गंडोला राइड, गंडोला राइड करने वाले हम। फोन मार रहे क्या? पंगा हो गया। दिस इज द वे टू गंडोला राइड। वो गाड़ी पार्क करने गए तब तक हम टिकट लेते हैं क्योंकि काफी भीड़ हो सकती है। तो ये रही गंडोला की एंट्री। हैप्पी न्यू ईयर। फेज वन के लिए 740 पर पर्सन है। फेज वन, फेज टू के लिए कितने है? 1690। ये लोग टिकट नहीं घुमाना भाई। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। फेज वन पे करने जा रहे हैं। सब पीछे छोड़ा है। 40 मिनट दिए ऊपर से नीचे में। कैसा लगा आपको कश्मीर आना? बहुत गंदा लग रहा मुझे कश्मीर आके। भाई कैसा लगा आपको कश्मीर आना? Kashmir is so good, man. So good. Is it a YouTube vlog or something? Where from you? From Kerala. Okay. So nice of you, man. Kashmir. कैसा लगा कश्मीर? My second time in Kashmir. कैसा लगा कश्मीर? Amazing. Amazing. Thank you so much. ये हमारे जो राहुल भाई, इसको मैं आने नहीं दूंगा अब कश्मीर दोबारा। No entry करो इसको। इसको no entry हो गई अब। Cross the black list करो इसको कश्मीर। चलो बेटा जल्दी। फाइनली गंडोला। चलो भाई रुकने रुकेगा नहीं है। दिस इज द लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट गंडोला इन एशिया एंड वर्ल्ड पे दूसरे नंबर पर है। तो सोच लो अभी हम कितनी हाइट पर है। और जो बाकी की डिटेल्स है गंडोला के रिलेटेड वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सवा चार से पहले आपकी वापसी है। ओके ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लोर फेज वन। सबसे पहले स्नो स्कूटर ढूंढने।
हल्की हल्की सी स्नोफॉल होती है जो कि सुबह नीचे हो रही थी लेकिन अभी यहाँ पर हो रही है। वाओ, मतलब फेज टू इतने ऊपर है ना, वाह यार, वो रहा फेज टू उस पहाड़ी पे। मतलब यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्नोफॉल हो रही है, इसलिए फेज टू को बंद रखा है अभी। तो हम जा रहे अभी स्नो स्कूटर, क्या है वो, स्नो मोबाइल। तो हम जा रहे अभी स्नो मोबाइल करने, क्योंकि यहाँ पर फेज वन पे वो फेमस है और मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। और ये स्नो मोबाइल जो कि हमको करनी है, ये रहा स्नो मोबाइल का टिकट काउंटर एंड इसके रेट्स क्या क्या हैं पहले वो देख लें। रेट लिस्ट कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। स्नो मोबाइल में टाइम लग रहा है यार, क्योंकि काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और क्यू बहुत लंबा है, इसलिए अब देखते हैं अगर क्यू में हमारा नंबर लगता है तो करेंगे, अगर नहीं नंबर लगा तो नहीं कर पाएंगे उसको हम। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मारना। खींच खींच खींच, चलो फोटो खींचो। तो चलो ही फोटो खींचो। नीचे चले गए क्या? फेज टू में बस तुम यहाँ से एक्टिविटीज कर सकते हो, किसी को घसीट सकते हो, किसी को तुम स्नो फाइट कर सकते हो। टाइम टू लीव फेस वन, क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही है गंडोला बंद हो रहा है और अभी स्नो जो मोबाइल स्नो स्कूटर्स है वो आ गए, लेकिन टाइम नहीं है अब यार। पूरा का पूरा बेबी स्लोप खाली है और आज हम रात भर सिक्की करेंगे। मन नहीं भरा हमारा, अब देखते हैं कल हम क्या करते हैं। कल हमारा थर्ड डे है गुलमर्ग में, या तो एक्सप्लोर करेंगे या तो फिर हम सुबह से आ जाएंगे यहाँ पर और सिक्की करेंगे।